صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين अलहमदल रबीन वसलात वसलामला सिलंबियाई वमसलिन अल्लाह वसल से दिना व मौलाना महमद वाल आलि वबी वबारक वसम दुनिया के तमाम देखने वालों तमाम चाहने वालों तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है जुनेद अखबाल की जानब से इंतहाई मोहब्बत के साथ असलकम एक बार फिर नाजरीन आपको पुर नूर सुबह में सुबह नूर के साथ मैं खुश आमदेद कहता हूँ और आइए बिला तोफ़ चलते हैं हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली की रालीफ अस्मा नबील करीम सल वसलम से रसूल सल्ह वसलम का एक इसम मुबारक पढ़ने और सुनने की सदत हासिल करते हैं सैदुना अलगा फिर सल्ह वम हमारे सरदार मुआफ़ फरमाने वाले दोनों दो सलाम भेजे अल्लाह आपलम पर आप सल्लाम के आले पाक और साहबा कराम रिजवानल तजमइन पर सईदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तन रवायत है कि नबी करीम सल वसलम ने शाद फरमाया कि पाँच रातें ऐसी हैं जिनमें कोई दुआ रद्द नहीं होती रजब की पहली रात पंद्रह शाबान की रात यानि शब बारत जुमे की रात फितर की रात और ईद की रात नाजिन कराम आज दुनिया के तमाम देखने वालों तमाम फर्श वालों को और तमाम अर्श वालों को अर्श वालों को खास तौर पर और फर्श वालों को भी खास तौर पर अर्श वालों को इसलिए ख़ास तौर पर कि फ़रिश्तों की ईद है और फर्श वालों को इसलिए कि आज तो मगफरत के और बख्शिश के परवान तकसीम होने वाले हैं दिल की गहराइयों से अपनी जानब से नाइन्टी टू न्यूज़ की जानब से तमाम इस्कॉलर्स की जानब से आने वाली रात यानी शब बत की मुबारकबाद पेश करता हूँ नाजिन कराम आज जैसा कि आप जानते हैं जाहिर है क़ीमती, इंतहाई अजीम तरीन रात है आज इंतहाई करीम रात है आज शब बरात है आज शब मगफ़िरत है आज शब बख्श है आज शब निजात है आज शब तोबा है आज शब निदामत है आज शब अ है आज शब करम है आज की रात अल्लाह करीम की करीमी के जोबन की इंतहा की रात है नाजरीन आज की रात अपने रब को मनाने और अपने आंसुओं को बहाने की रात है आज की रात सजदों का लुत्फ उठाने और अपने रब की बारगाह में झुक जाने की रात है आज की रात तौबा के दामन को थामने और गुनाहों से पीछा छुड़ाने की रात है नाजरीन आज की रात दराज़ी उम्र खैर की दुआ करने और हर तरह की भला मुसीबत से आफियत मांगने की रात है आज की रात दूसरों को मुआफ करने और दूसरों से मुआफी तलब करने की रात है आज की रात नाजरीन रूठों को मनाने और एक दूसरे से दिलों को साफ करने की रात है आज की रात अल्लाह के हुजूर आमाल का पर्चा पेश होने की और उनके बदले नंबर्स के मिलने की रात है नाजरीन यानी नाजरीन कराम चूंकि हम सब इस बात को जानते हैं हम तो कुछ भी नहीं इंतहाई गुनाहगार और सियाकार हैं, लेकिन उस रब की जो रहमत है वो चूंकि उसके गज़ब पर गालिब है और वो चाहता ही नहीं कि उसके बंदे अजाब दिए जाएं इसलिए उस करीम ने रहमत आलमीन अलैहि वाली वसलम के सद के हमें आज की ये रात अता कर दी कि नबी करीम वाली वसलम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक ताली शाबान की पंद्रहवीं शब आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जल व होता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मगफरत फरमाता है ज़रा तस्वुर कीजिए नाजीन ये भी नहीं कर सकता में आज जो बख्शिश के और मकफिरत के परवाने तकसीम होंगे उसका भी कोई शुमार हो ही नहीं सकता और यह मिसाल भी समझाने को है। वरना रब चाहे तो जितना चाहे और जिस तरह से चाहे अता करे उस करीम के मामला ये नाजरन के हम जमीनों आसमान के बराबर अपने गुना समे के भी अपने कांधों पर लाद कर उसकी बारगाह में क्यों ना चले जाएं सिर्फ निदामत का एक आंसू नाजर एक अश्क जो मच्छर के सर के बराबर ही क्यों ना हो अगर वो बहा दे तो वो जहन्नम की नार को जहन्म की नार को नाजरीन यानी जिसकी मिसाल ये दी जाती है कि अगर यूं समझ लीजिए कि एक जहन्नमी को जहन्नम की नार से निकाल कर अगर दुनिया की नार में डाल दिया जाए तो वह ऐसे सो जाएगा जैसे कि दुल्हन फूलों की सेज पर सो जाती है इतनी शदीद नार को नाजरीन निदामत का एक अश्क जो है, वो मुकम्मल उनकी तफसी लिख दी जाती है जितने भी इस साल मरने वाले होते हैं वो सब लिख दिए जाते हैं यानी क्या मालूम इस साल कौन जमीन की पीछ पर होगा और कौन जमीन के पेट में होगा कौन खुराक खाने के काबिल होगा और कौन कीड़े मकौड़ों की खुराक बनेगा कौन जिंदगी के करतास पर मजीद कुछ लिखेगा और कौन है जिनकी जिंदगी के पर्चे मुकम्मल तौर पर फाड़ दिए जाएंगे क्या मालूम नाजीन जो अपनी शादी के जोड़े की तैयारी कर रहा हो उसका कफन कहीं तैयार हो रहा हो जो नया घर नई कोठी नया मकान तमीर कर रहा हो उसकी कब्र तैयार हो जो दुनिया का सफर अख्तियार करने वाला हो उसको उखरवी सफर के लिए तैयार किया जा रहा हो नई कार के इंतजार में जो शख्स हो उसके जनाजे की डोली तैयार हो चुकी हो कौन जाने जो दुनिया की तैयारी कर रहा हो उसे मालूम नाजरी जो बड़ी बड़ी का प्लानिंग कर रहा हो वन करीब कब्र में अकेला लेटने वाला हो कौन जाने जिसे अपनी सेहत पर बड़ा नाज हो उसकी सेहत उसका साथ छोड़ने वाली हो किसे मालूम जो अपने जिसम को बड़ा ही मुज और हसीन करने के लिए मेहनत कर रहा हो अन करीब उसकी आंखों के ढेले उसके रुखसार पर बहने वाले हों किस को मालूम नाजरीन कि किस के किसके साथ क्या होने वाला है लिहाजा आज की रात शाबान की पंद्रहवीं रात है नाजरीन अल्लाह ताला मखलूक पर नजर रहमत फरमाता है पुकारने वाला बार बार पुकारता है है कोई जो मक़फ़रत का तलब गार हो उसे मक़फ़रत दे दी जाए है कोई जो मांगने वाला हो उसे अता कर दिया जाए आज अल्लाह की बारगाह में नाजरिन अपने हाथों को बुलंद कीजिए बुलंद करने के बाद यह कीजिए कि हाँ अय परवरदिगार हाँ हम तेरे बंदे हैं तेरी बारगाह में हाजिर हो चुके हैं अपने आंसुओं को बहाने की कोशिश कीजिए रोएं गिड़गिड़ाएँ और ये गुजारिश करें कि हम तेरे भागे व मुजरम हैं परवरदिगार हम इंतहाई हैं। ये ये जिस्म लेकिन करने वाला है तू अता करने, करने वाला है हमें कुछ नहीं मालूम हमें यह मालूम है कि तू हमारा रब है तू हमारा पालनहार है तेरे ही इख्तियार में है कि तू हमें बख्श दे बस रो रो के गिड़गिड़ा के इस रात में अपने रब को मनाने की कोशिश करें पाकिस्तान के लिए दुआ करें उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और साथ साथ आज जो पूरी दुनिया में एक नज़र आने वाले वायरस ने हमें जो हमारी औकात बता दी है हम बड़ी फू फां किया करते थे ना बड़ा अकड़ अकड़ के चला करते थे हमें बतलाया कि हमारी कोई औकात नहीं है आज सच दरेज हो जाए मिलकर दुआ करें अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह बस अब बस हो गई हमको माफ़ कर दे और पूरी दुनिया से कोरोना की इस वबा को ख़त्म फरमा दे मेरा ईमान है नाजरी अगर हम रब को उस अंदाज से पुकारें जिस अंदाज से पुकारने का हक हाँ है उसकी रहमत छमा छम यकीन बरसेगी हमारे साथ इस वक्त तीन शख्सियत हैं जो यकीन किसी तारफ की मोहताज नहीं है इस सुबह नूर का मुस्तकिल हिस्सा है पहली शख्सियत मेरी बुजुर्ग शख्सियत है मुमताज़ आरिमदीन है मोहतरम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद सहीद अहमद खां साहब दूसरी शख्सियत यकीन किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है माहिर इकबालियात हैं खूबसूरत गुफ्तु करते हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब और आखिर में मरूफ स्कॉलर खूबसूरत गुफ्तू करते हैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर वासिल ओस साहब आप तीनों को मैं खुश आमदेद कहता हूँ असल आगाज़ आपसे करते हैं प्रोफेसर साहब आज की रात बड़ी कीमती रात शब बरात उसकी फजीलत से आगाज़ कीजिए बसमिल्लर मसलआ महमद वाल आल महमद वबारक वसलम जुनेद साहब आपने जिस खूबसूरत अंदाज में सुनने वालों को इस रात की अहमियत की तरफ मुतव कर दिया है यकीन उनके कल्ब वज़मी पर दस्तक पड़ी हो जजाकत जजाकत मैं अपनी गुफ्तु का आगाज़ इस बात से करना चाहता हूँ कि मेरे लिए <laughs> <coughs> जो सबसे बड़ा एजाज है मुझ पर जो अल्लाह का करम है वो ये है कि मैं उसके महबूब का उम्मती अल्लाह सुबह अल्लाह किस अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ जिनकी बदौलत इस उम्मत को अल्लाह के इतने इनामात मिले हैं कि जिन्हें गिनना किसी के बस में नहीं है नहीं। जिनकी एक नेकी दस नेकियों तक जाती हो सात सौ नेकियों तक बढ़ती हो जिसके लिए एक एक नेकी को अल्लाह ताला इतना बढ़ाए कि उसके ख़जानों की वसत वही जानता है उसने अपने फजल करम से मुझे अगर ज़िंदगी दी तो ऐलान कर दिया वमा खलक इंस इल्ला याबून तेरी ज़िंदगी का मकसद अपने रब से अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाना है उससे उसकी रहमत लेनी है मुझे मेरे रब ने फरमाया कि मैंने किताब अपने बंदे पर क्यों उतारी इसलिए आए हैं कि ये उन मोमनों को खुशखबरी सुनाएं जो आमाल साल बजा लाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा अजर है उसके कर्म का क्या कहना कि वो अपना बंदा उसको बनाता है कि वल्लज़ीन यबीतून अल रब्बिहिम सुज्जदम व क़ियाम अल्लाह हु अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कि जिनकी रातें अल्लाह के हुज़ूर सजदा करते हुए रुकू करते हुए गुजरती हैं मेरा परवरदिगार वैसे तो हर रात में एक खास घड़ी में नुज़ूल फरमाता है अपनी शान के मुताबिक लेकिन उसने हा, हा। अपने बेकरार फजल व करम की बदौलत व रबो का यख लुकुमा ये शाह व वो कुदरत वाला जो चाहे पैदा करे जिसको चाहे पसंदीदा बना ले लेन ले अब उसने माहो साल उसी ने बनाए लेकिन उनमें से उसने महीनों में से रमजान को उसके बाद शाबान को उसके बाद रजब को जो इज्जतें दी वो उसी का काम है फरिश्ते उसने पैदा किए लेकिन उनमें से जिबरील मीकाल इसरा इसराफी उनको जो अजमत दी वो उसका है। ला ला रातें भी सारी ला ला उसके ला ला बनाएं सुबह लेकिन उन रातों में से उसने शब कदर को ईद उल उजह की रात को ईद उल फित्र की रात को रजब की पंद्रवीं रात को जो अजमत अता फरमा दी है शाबान की पंद्रवीं रात को जो अजमत अता फरमा दी है ये सब उसका हमारे लिए धर्म है हमें तो उसके कर्म से दामन अपना भरना है बस, बस हमने इन बातों में नहीं जाना कि इसकी सेहत के मुतालिक देख लो जी फिर सजदा करेंगे <laughs> जिन लोगों ने कुरानी अच्छा इसकी सेहत के बारे में देख लो तो जो आम दिनों में हमने इबादतें कर ली वही मैं, मैं अर्ज़ करने लगा उसकी सेहत कौन बताएगा वो कबूल हुई हुई कि नहीं वही मैं अर्ज करने लगा हूँ कि कुरान करीम ने तो हमें कहा कि आमाल साल बजा लाए लेकिन हमारे वो असलाफ जिनके कई कई साल इशा के वजू से फजर की नमाज और हकीकी बात यह है कि दीनियात के एक अदना तलेब इम की हैसियत से मैं अल्लाह की ज़ात पर वसूख करते हुए उम्मत को बता देना चाहता हूँ कि छठी सदी हिजरी के बाद इस वक्त तक इस रूए जमीन पर अब्दुल क़ादिर जिलानी जैसा आलम कोई पैदा नहीं बेशक हुआ। बेशक बेशक ये नहीं कि सिर्फ तसव्वुफ़ में बेशक इल्मी दुनिया में उन्होंने जो सिक्का जमाया बेशक, है, बेशक। उनकी जरा गुनीतबीन उठा कर पढ़ लीजिए वो किस अंदाज से उम्मत को इस बात की तरफ मुतवज़ कर रहे हैं कि अल्लाह है। तुम्हारे लिए ये क्या क्या इनाम रखे हैं तो हमें सिर्फ मुसलमान होने की हैसियत से इस बात का हरीस तो रहना है कि वो कौन से लम्हे हैं जुमे की वो कौन सी घड़ी है किस रात की कौन सी सात है और अल्लाह ने अगर अपने फजलो करम से हमें ये रात सूरज के तुलु होने से सूरज के गुरूब होने से लेकर तुलु होने तक इस

बिल्कुल जैसे आपने अभी कहा कि मखफरत के परवाने इस रात का एक ख़ास तल्लुक है मफफरत के साथ और मफफरत ही अल्लाह की अताओं का मुस्तक बनने की अहसास और बुनियाद है देखें अल्लाह रब्बुल रबुल्जत की रहमतों से सरफराज होने में कौन सी चीज़ रुकावट होती है हमारे बुरे अमाल रुकावट होते हैं अल्लाह जब हम मत की तरफ बढ़ते हैं इसका मतलब यह है कि हम अपने और अल्लाह के दरमियान जो रुकावटें उनको हटाते हैं बेश और ये इस मकसद का दायरा इतना फैला हुआ है हदीसी पाक को जो कबीला बनु कलब वाली हदीसी पाक उसको आप देखें सईद आशा फरमाती हैं कि इस रात मैंने देखा आप बकी तशीफ ले गए अल्लाह तो मुझे परेशानी हुई कहाँ जब मैंने आपको बकी में देखा तो आपने शायद फरमाया कि आज की रात वो रात है जिस रात कबीला बनो कलब के बकरियों के बालों से लोगों को अता होता है ये आपका फरमाना और बकी में मौजूद होने का मतलब यह है कि ये मफफरत दुनिया बरसुख और आखरत सबको को मुहि सुबह अच्छा मैं इसमें एक और बात देखता हूँ एहसान अजीम रहमत का तो है ही अम्माइशा सिद्दी का अजीम है। ना उम्र तक पहुंचती ना यानी आप वहाँ दुआ फरमा रहे हैं लोगों की उन लोगों की मफफरत के लिए जो इस दुनिया से जा चुके हैं आये हाय हायन गोया ये वो रात है जिस रात आपने अपनी मफफरत हाँ। और जो आपके लोग जा चुके उनकी मकफरत का इस्तेमाल करना है जी अल्लाह रबुज की बारगाह से उनके लिए भी मकफरत तलब करनी जो उस दुनिया से चले गए सुबह और अपने लिए भी मकफरत तलब कर सुबह और इस जमाने में हमें मकफरत की और अल्लाह की तरफ से माफ़ी की इतनी ज़रूरत है जिसकी शायद हम तो सबर नहीं कर सकते और शाद रब्बानी है वाला कद बिल कदम बिलबाला हमने लोगों को मुसीबतों में डाल दिया तकलीफ़ों में बीमारियों में डाल दिया ताकि वो हमारी बारगाह में आके आहुजारी करें आए, गोया ये जो मुसीबत होती है ये अल्लाह की सूफिया कहते हैं ये अल्लाह की लाठी है जिसके ज़रिए अल्लाह अपने बंदों को हाँक के वहाँ ले जाता है जहाँ ले जाना चाहता है इस वक्त जिस वबा से हम गुजर रहे हैं पूरी दुनिया गुजर रही है कुरान मजीद की शायद मुबारक को देखें कि ये तकाजा है कि हम अल्लाह की बारगह की तरफ ज़्यादा आजी के साथ गिरिया उजारी के साथ और तलब मफ़रत के साथ मतवज हूँ और ये रात तो हमें मौका फ्राहम करती है कि हदीसी पाक की रानमाई हमें जो मिल रही है चूँकि इस रात अल्लाह की माफ़ करने की शान शान मफ़रतूज पर है कमाल पर है तो हमें अल्लाह की इस रहमत से अपने दामन को भरने के लिए इस रात का एक एक लम्हा जो है वक्फ़ कर देना चाहिए और जो इस रात की असल बरक़ात हैं कि हम अपने नामयमाल से अपनी ज़िंदगी से जो कोताँ हमसे हो चुकी हैं जो हमसे कमी रह गई है माल के अंदर जो हमसे कोई फ़रोगजाश्तें हुई हैं उनकी मफफ़रत के लिए अल्लाह की बारगाह में अच्छा ये बताइए कि बनो कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा तादाद का शुमार हो सकता है क्या देखिए बात यह है कि जब कोई बात बयान की जाती है अगर आप हदीस पाक को देखें तो आप सहातबीन की फहम को और उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको पेश नज़र रखते हुए कोई ऐसी मिसाल और शाद फरमाते हैं जिससे सुनने वाले को बात समझ आ जाए पहली बात तो यह है कि यह वो कबीला था जिसकी बकरियाँ बहुत ज़्यादा थी बिल्कुल ऐसा ठीक कसरत का पहला सिंबल ये हो गया दूसरा यह कि जब आप किसी बकरी का जिक्र करेंगे तो उसका कौन सा पहलू है जो कसरत की तरफ इशारा करेगा बालों के अलावा कोई बाल बोल सकते हो नहीं सकता यानी उस वक्त जब आप कलाम फरमा रहे हैं तो उस वक्त समझाने के लिए जो तादाद की कसरत के लिए अगर कोई अलामत इस्तेमाल की जा सकती थी तो आपने वो अमत इस्तेमाल फरमा दी मकसद ये है कि अल्लाह रबु इज़त इतनी कसर तादाद में माफिया त फरमा दें आप देखिए कुरान मजीद में जैसे सत्तर का लफ्ज़ आता है तो लमा फरमाते हैं मुराद ला तादाद है क्योंकि ये एक तरीका है बात को बयान करने का कि इससे कितनी तादाद मरूद है मुराद है मकसूद है तो इसमत को इस सिंबल को तादाद की कसरत के लिए बयान करने का मकसूद ये है कि अल्लाह रबुलजत की शान रहमत इतने जोश में होती है उसका तसवर नहीं किया जा सकता कोई हिसाब किताब ही लिया नहीं, नहीं जा सकता कि हम कितना ज़्यादा उससे अल्लाह के बंदों को रहमत मिल रही होती है शान मफ़रत से उनको हिस्सा मिल रहा होता है तो हमने लौटना है उस तरफ प्रोफेसर साहब आप आपकी तरफ आते हैं एक तो फजीलत के हवाले से जो आप हिस्सा डालना चाहें लेकिन एक बात जो बड़ी अहम है अब सुनने वाले इस वक्त सबसे पहला सवाल लोगों के जहन में ये होगा कि जहाँ माशा प्रोफेसर साहब ने इतनी हसीन फजीलतें बयान कें जब डॉक्टर साहब ने इतनी हस्किन फजीलत बयान की अब सवाल ये पैदा होता है कि इस रात को मनाया कैसे जाए कौन से ऐसे अमाल हैं जिनको करके वो जो बख्शिश के परवाने हमारे लिए लिख मैं तो कहता हूँ लिख दिए गए उसकी रहमत तो तलाश कर रही है बस सिर्फ दाखिल होना है क्या फ़रमाएंगे बिसमिल रहीम मोहतरम जुनेद भाई आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और साथ ही मुझे मौका भी दिया कि मैं पिछली गुफ्तु को भी थोड़ा सा जोड़ लूँ एक बात अभी हुई थी कि आपने फ़रमाया था कि हज़रत अम्मयशा सदीका रजी अल्लाह तह का भी हम पर यह एहसान है कि आप बकी में तशरीफ़ी जी, जी। यहाँ एक सवाल है कि अदीस में जब सैदा आयशा सदी का रजियाल्ला वहाँ तशरीफ़ ले जाती हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि क्या तुम इस बात से डर गई कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ कोई नासाफ़ी करेंगे यहाँ पर जो जवाब सैदा आयशा सदी रजी अल्लाह तैन ने दिया है वो जवाब आपने कतन ऐसा लफ्स नहीं कहा कि हजूर हाँ ऐसा ही था लेकिन जो आपने इरशाद फरमाया वो क्या था आपने अर्ज़ किया या तो अन्ना का अतईत बाजायक मेरा ख्याल था कि आप अपनी किसी दूसरी बीवी के पास गए होंगे अब सवाल यह है कि अगर आपका ख्याल ये था कि हज़ूर सैद आलम किसी दूसरी जोजा मुहतरमा के यहाँ गए हैं तो फिर आपको अजवाज मतहर के दरवाजों पर दस्तक देनी चाहिए थी बकीी तक कैसे आएंगी बकी तो कब्रस्तान है सईद आयशा का रजियाल के मुताबिक उनको वहां जाना चाहिए था के दरों पर लेकिन ये बकी तक कैसे पहुंची तो उसका जवाब यह है कब्रस्तान है बकी आज उसका नजर आ रहा है कि गुमबद खजरा से फासला थोड़ा है लेकिन उस जमाने में जब गलियां थी मकानात थे तो एक फासला था आबादी से बाहर था कब्रस्तान कैसे इसका जवाब है जो खसाइसकबरा में अलामा जलाद्दीन सूती रहमत ने जिल्द नंबर एक सफा नंबर एक सौ चौदह पर इमाम दारमी और अबू नोम के हवाले से हदीस नकल की

आहा, आहा, जब आहा, किसी भी रास्ते से चला चला करते थे गुजरा करते थे तो आपके बाद जब भी कोई उस रास्ते में आता था तो हजूर के पसीना मुबारक खुशबू से तो दस्तक दी होगी पता किया होगा वहां नहीं मिले तो फिर खुशबू को जब सुखते मामला हुआ तो अब इससे आगे जो आपका सवाल अच्छा फिर वही जरा यह भी साढ़े चौदह सौ बरस पहले रोशनियों का इंतजाम कोई रात रा है।, है, लेकिन रात तो तो तारीख थी, लेकिन मुस्तफा कैसे चाहिए जैसे हमें नबी अक्रम तालीम दी है आपकी तालीम आपकी सीरत से भी है और आपकी हदीस से फरमान से भी आपने खुद करके भी दिखाया और फरमान सैयदान में भी बात आई सबसे पहले मैं यर्ज करता हूँ यही वाली हदीस जो है जो हज़रत आयशा हसदीक रजील्ला वाली है जाम उल हदीस में अलामा ऊलाउद्दीन सियूती ने तैंतालीस हज़ार तीन सौ अड़तीस नंबर और शोबला इमान में माम बेहकी ने जल्द नंबर तीन सफ़ा नंबर तीन सौ तिरासी पर इसके अंदरल्फाज लिखे हैं हज़रत आयशा सदी रजियाल्ला तरमाती हैं जब मैं घर से निकली फ्त हूँ बिल बकी तो मैंने हुजूर को बकी के कब्रस्तान में पाया पायादा वहां खड़े होकर मोमिन मर्दों औरतों और शोहदा के लिए अल्लाह अकबर दुआरत पहला काम तो ये है जो सुन्नत नबी से हमें मिल रहा है कि हमें इस रात में अपने सारे मोमिन भाइयों मोमिन बहनों मोमिन मर्दों औरतों के लिए शहादा के लिए दुआ करनी होगी ये सुन्नत यही हदीस जब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो फजायल अवकात में भी इमाम बहकी ने नकल की हदीस नंबर छब्बीस वहाँ पर हज़रत सी का रजी अल्लाह ताली ने फरमाती है कि मैंने जब देखा सैद स्थी आलम बकी में दुआ फरमा रहे थे मैंने सोचा मैं दुनिया के ख्याल में थी और तो अपने रब के काम में लगे हुए हैं मैं वापस आ गई मैं अभी घर पहुँची हूँ सरकार दुआम सल्लम की तरीफ़ ले आए तेरा साँस फूला हुआ था आपने पूछा तेरा सांस क्यों फूला हुआ है बताया कि हुजूर इस तरह मामला वह सारा मामला होने के बाद सरकार दुआम सल वसल् ने इर्शाद फरमाया या आयशा अता जनी लली फ़ी कयाम में हाज हिल मुझे इजाज़त देती हो कि मैं इस रात अल्लाह की बारगाह में कयाम कर लूँ अल्लाह सैद आयशा सीकर रजी अल्लाह ताली ने, ने अर्ज़ किया हजूर बे व उम्मी आप सरकार मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान आप क्याम फरमाएं उसके बाद सैद आयशा सीकर रजी अल्लाह ताली ने फरमाती है कि हजूर ने फिर क्याम किया है फ़काम फ सजद लईलन इतना लंबा सजदा फरमाया है आपने हत्या जना तो अन्ना हुको मेरा ख्याल मुझे आने लगा कि कहीं सरकार दो आलम विशाल ही तो नहीं फरमा उठ के कदम मुबारक को छुआ तो सरकार ने फतेह रखा हुजूर का कदम मुबारक हिला फफरे तो मैं खुश हो गई कि नहीं सरकार अब यह जो मामला था कि इस रात में इतना लंबा सजदा ये सुनत रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल लैलतुन निस्फ शाबान यानी सजदों 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 को को तवील करो इस को तवील करो करें थोड़ा सा मुझे मौका दीजिएगा कि यहां भी थोड़ा सा मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमें हुजूर की सुन्नत आपके फरमान अहले अहल तहार और साहबा इक्राम के अमल को देखना है शब शबरा को कैसे गुजारना है यहां थोड़ी सी मैं एक ही एक एक मिसाल दे रहा हूं अब हजरत अली रजी अल्लाह तआला तुकी की जो रिवायत है जिसे सुनन नबिन माजा में तेरह सौ अट्ठासी नंबर हदीस के तहत नकल किया गया है उसमें हुजूर सैयद आलम का इरशाद यह है जब रात आ जाए इजाकानत लिफ मिन शाबान फकूम लैला व नहा रहा जब पंद्रह शबान की रात आती है तो इसकी रात में क्याम किया करो और उसके दिन में रोजा रखा करो इसका मतलब है हमें तो हुजूर फरमा रहे हैं कि रात को क्याम करना है रात को इबादत करनी खुद हजरत अली रजिए तला का अपना अमल क्या है इमाम इब्ने जोजी ने तबसरा किता लिखा वह यह फरमा रहे हैं कि हजरत अली रजियाल्ला फरमान है मुझे यह बात बहुत पसंद है कि चार रातों के लिए आदमी अपने आप को इबादत के लिए फारग कर ले किसी और काम में मसरूफ ना हो चार रातें ऐसी हैं मेरा दिल करता है कि आदमी फारि हो जाए सारे कामों से और इन चार रातों में इबादत करें वो चार रातें कौन सी हैं अब रजब सुभान अल्लाह लैलतुल रज अब ये तर्जमा नहीं करता क्योंकि मुझे वक्त का अंदाजा है मैं थोड़ा आगे चलता हूं इमाम हसन सलाम की एक करना चाहता ये के आपका तरीका बरात में क्या था है। इमाम हसन अल्लाम की ये जो रिवायत है अलकौल बदी में इमाम सखावी रहमत दो सौ आठ पे लिखी यहाँ उनसे पूछते हैं कि आप मुझे बताइए यह बड़ा खूबसूरत लफ्ज है खूबसूरत लफ्ज है वो कहते हैं मैंने पूछा इमाम हसन से कि आप मुझे बताएं लई सक कैसे गुजारनी है और उसमें क्या करना है जो अभी आप फरमा रहे थे परवाने तकसीम होने की रात इसका नाम लई सक है सक का मतलब है परवाने परवान तक उन्होंने कहा कैसे फरमाया मैं तीन हिस्सों में तकसीम करता हूँ आज तीन हिस्सों में तकसीम करता हूँ एक हिस्से में मैं नबी अक्रमल्म पर द्रूद पढ़ता है दूसरे हिस्से में मैं रब से इस्तार करता हूँ और तीसरे हिस्से में अर्क असजुद मैं सारी रात हसन का अमल है रखूान और फिर ज़ाहिर नाजर फिर बुज़ुर्गों से जो साबित छः नवाफिल भी हैं फिर सलातुल तस्वी का लोग अहतमाम करते हैं उस पर भी इन क़लाम करेंगे वक्फ़े से जब लौटूँगा तो एक माफ़ी नामा आपके सामने पेश करूँगा माफ़ी नामा क्या है बहुत तोज़ो से सुनीगा और उसके बाद तोबा की अहमियत और उसकी फजीलत पर इन शत करेंगे आइए नाज्री चलते हैं जिनके सद के ये रातें हमारे पास हैं जिनके सद के हमें बख्शिश के परवान मिलते हैं आज मिल के उनकी बारगाह में इंतहाई अदब के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं और फिर इन शुतू का आगाज करते हैं

زينب سيدنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا खुशामदेद खौती नज़रात शब बरात तोबा इस्तवार और रहमत तो बख्शिश की रात है आज की रात नाजीन इंतहाई अहम तरीन रात है लेकिन आज की रात आप महसूस कीजिएगा आपको सुबह से जो है वो एस एम एस मौसू होना शुरू हो जाएंगे व्हाट्सएप के जरिए से मैसेजेज़ मौसू होना शुरू हो जाएंगे फेसबुक पर लोग स्टेटस लगाएंगे मुख्तु सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाएंगे और हर साल ये स्टेटस लगता है ना हर साल व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है ये माफ़ी नामा ये माफी नामा जो है वो बाकायदा सेंड किया जाता है शेयर किया जाता है लोग अपनी वॉल पर लगाते हैं और माफी नामा क्या होता है ज़रा तब तो वो जो सुनिए कि शब बारात आने वाली है इस मुबारक रात में अल्लाह तबारक ताल की बारगाह में हम सब के नाम आमाल पेश होने वाले हैं ये इंतहाई नाजुक तरीन रात है आज तक मेरी तरफ़ से जाने अनजाने कोई भी गलती गुस्साखी गिरबत या कोई गुना हो गया हो, मेरी तरफ़ से आपकी दिल आज़ारी हो गई हो तो आप अल्लाह की ऱा के लिए शब बारत की इन सातों में मुझे माफ़ कर दीजिए ताकि मेरे नामय आमाल जब अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो मेरी पकड़ ना हो यह व्हाट्सएप ये एस एम एस नाज़ीन उन लोगों की तरफ़ से आते हैं जिनको आप जानते ही नहीं जिनके बारे में आपको मालूम ही नहीं होता अब मैं सवाल यह करना चाहता हूं कि यह कौन सी माफी का तरीका है यानी हम किस से माफ़ी मांग रहे हैं हम किस लिए माफ़ी मांग रहे हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं जिनसे हमारा ताल्लुक़ ही नहीं है जिनसे शायद हम कभी मिले भी नहीं हैं जिनके बारे में हमें मालूम भी नहीं होता कि वो कौन हैं कहाँ रहते हैं क्या करते हैं लेकिन बस हम ग्रुप्स में शेयर कर दिया करते हैं इस माफ़ी नामे को अगर माफ़ी मांगनी है नाजरीन मैं जुमला अदा करना चाहता हूँ अगर आपका दिल है माफ़ी मांगने का तो जाइए जाकर अपनी नाराज़ माँ से माफ़ी मांगें अगर माफ़ी मांगनी है तो जाए जाकर अपने रूठे हुए वालद से माफ़ी मांगें अगर मनाना है तो जाएं जाकर अपने नाराज भाई को मनाएं अगर राजी करना है तो जाकर अपनी नाराज बहन को राजी करें अगर दिल साफ करना है तो जाकर अपने रिश्तेदारों का अपने दोस्तों का अपने अहबाब का दिल साफ करें कि जिनका दिल आपने दुखाया है यह रात याद रखिएगा नाजरीन नामालूम रिश्तों को नामालूम रिश्तों को माफी नामा भेज कर राज़ी करने और खाना पूरी करने की रात नहीं है बल्कि यह रात मालूम रिश्तों को मना कर उनको राजी करने और उनके दिलों को साफ माफ करने की रात है लिहाजा अगर आप किसी को माफ करना चाहते हैं या किसी से माफी तलब करना चाहते हैं तो अपनी को, अपनी जो एक है, उसको किर्ची -किर्ची फोन उठाइए फोन मिलाइए अपनी वालदा को अपनी बहन को अपने भाई को अपनी बेटी को अपनी बहू को अपने दोस्तों को अपने रिश्तेदार जिनको आपने नाराज किया है और जाइए उनके घरों पर और आंख से आंख मिला के ये जो लिख के भेज देते हैं ना यह माफी नहीं है आँख से आँख मिला के जहाँ पर आपके अंदर का जो अना, अना का जो एक बुत है मुकम्मल तौर पर किरची किरची हो वो आपको माफ़ करें आप उनको माफ़ करें इससे बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती अच्छा जी प्रोफेसर साहब अब अब बात यह है कि चूंकि आज की रात और उसकी फजीलत के हवाले से अभी प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे थोड़ा सा इस बात को और मज़ीद आगे बढ़ाते हैं कि एक तो ये कि ज़रा ये बताइए कि छः नवाफिल जो अदा किए जाते हैं उनकी फजीलत और आज की रात में सलात तस्बी की अदा करने की फजीलत नवाफिल अदा करने की और साथ साथ वो जो तौबा की जो अहमियत और फजीलत है उसमें भी जरा कलाम फ़रमाइए। मेरा रब इतना मेहरबान है एक कदम बढ़ो दस कदम बढ़कर आ जाता सुभान अल्लाह एक बार कहो या अल्लाह वो दस बार जवाब देता है लबी लब लब सुभान लब अल्लाह सुभान अल्लाह आज की इस मुकद्दस रात की इबादत के ज़मन में कुरान करीम से हम रहनुमाई लेते हैं कुरान कहता है मन ततवा खैरन फ़हो खैरुल्लाह जो कोई भी जायद नेकी करेगा वो उसके हक़ में बेहतर है मन ततवा ख़ैरन फ़िनल्ला अलीम जो भी कोई जायद नफल इबादत लाता है अल्लाह उसका शुक्रिया कबूल करता है उसको जानता है हम सिर्फ इस तक महदूद रहें कि मगरिब के बाद हमने छः रकत पढ़नी है अब्दुल कादिर जिलानी जीलानी अलैह फरमाते हैं कि हम सलातुल ख़ैर सौ रकतें वो भी जमात के साथ अदा किया करते थे हाय 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 हाय। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि वो दौर था कि कोई फतवा लगाने वाला नहीं था हुँ, हुँ, हुँ। ये क़ुरान ने जब कह दिया के नव... जायद इबादत अल्लाह के हाँ कबूल होती है तो हमसे जितना भी हो सकता है और छः नवाफिल इस तरह के हर बार रकत में सूर फातह के बाद तीन बार सूरत अखराज पढ़ कर हम छः रकतें पढ़ लें लेकिन जितनी मुमकिन हो सके आज की रात के ज़मन में एक अहम बात जो नबी अक्रम रत आलम सल्ला वसलम की ख़मत में जबरील अमीन आलम ने आकर अर्ज़ की या रसूल सल्ला वसलम जैसे आपने कहा ना फरिश्तों की फरमाया अर्ज की जबरील ने यारसूल आज जन्नत संवारी गई है और जन्नत के हर दरवाज़े पर एक एक फरिश्ता इस ड्यूटी पर लगा है कोई कह रहा है कि अल्लाह जिसने रुकू किया उसके लिए खुशी हो, कोई कह, लिए खुशी हो। कोई कह रहा है जिसने सजदा किया उसके लिए खुशी हो कोई कह रहा है जिसने दुआ मांगी उसके लिए खुशी हो जिसने कहा कोई कह रहा है या अल्लाह जिसने जिक्र किया उसके लिए खुशी जिसने किसी के लिए खैर मांगी उसके लिए खुशी हो वहाँ जन्नत के आठों दरवाज़ों पर आज फरिश्ते हमारे लिए ये दुआएं करने में अल्लाह ताला के हुजूर लगे हुए हैं और जहाँ तक तौबा का ताल्लुक है तो जुनेद साहब तोबा बंदे के लिए अल्लाह का वो इनाम है कि मैं गुनाहों में सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक गर्क हूँ गुनागार हूँ सयाहाकार हूँ लेकिन जो ही तोबा के इरादे से मैं अल्लाह की तरफ आता हूँ रुजू करता हूँ तो फरमाया इन अल्लाह युबाबिन वो बना लेता है पसंद करता है एक आंसू जैसे आपने भी जिक्र किया कि बंदे के आंख से निकलने की देर है अल्लाह के गजब को बुझा देती है और इन्ना तोहबा तलाब्द रब ये रब का ये यानी रब के गज़ब को बुझा देती है तोबा का लफ्ज़ एक ज़ुबान से निकलने की देर है तो वो तो करीम है हम तो माह बकरम हैं कोई साहिल ही नहीं उसकी तरफ आने की देर है तो आज जिस तरह उसने अपनी रहमत के दरवाज़े खोले हैं इसके बाद रमज़ान आ रहा है हमें याद होना चाहिए कि सलाम ये दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह शाबान और रमज़ान हमें ये इस कबूल फरमा इसमें अबादत और बल्लग ना रमज़ान और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे अल्लाह आज की रात के ज़मन में एक अहम बात जो मैं सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये कि ए अहल ईमान अल्लाह के नबी आसमाम ने इस माह मुबारक के बारे में जब ये फरमा दिया कि शाबान और शाहरी शाबान मेरा महीना, मेरा महीना है, है। तो आका का महीना समझ कर, अकबर आइए इस तरफ आका सलाम पर कसरत से दरुदो सलाम भेजिए जिसका अजर कोई गिन ही नहीं सकता अल्लाह तो हमें तो कोशिश ये करना है कि बजाय इसके कि हम ऐसे फजूल बातों की तरफ जाए अल्लाह हुजूर जितना हो सके आका सलाम ने एक रिवायत यह भी है कि ये रात दो सजदों में गुजार दी इतने लंबे सजदे कर आपने ये Allah, पसर कर Allah, 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 Allah. तो हमें अपने तौर पर इस बात को सामने रखते हुए कि आज अल्लाह ताला जो तुम अम्र है अल्लाह जिसका फरिश्ता बारिश का एक कतरा लाता है Allah. वो आज अगर साल भर के फैसले फरमा रहा है जब नबी अकरम रहमत आलम अलैहि वसल्लम से ये सवाल हुआ कि या रसूल अल्लाह वसल्लम आप शाबान में रोज़ा क्यों रखते हैं तो फरमाया इसमें नाम पेश अकबर और इमाम आखिर का, का, का एजाज पाने वाला मकाम महमूद रखने वाला वो फरमाएं कि मेरी ख्वाहिश यह है मैं चाहता ये हूँ नाम अल्लाह के हजूर पेश हो तो मैं रोजे की अल्लाह यानी जिनके सद के हमारी बख्शिश मगफ़रत होनी है आलम यह है कि वो ये फरमाते हैं कि मेरा नाम नामा अमाल पेश हो तो मैं रोजे से हूँ और डॉक्टर तन्नी साहब मैं तो कभी कभी इस बात को इस, जब इस रिवायत को पढ़ता हूँ जैसे आपने फरमाया मुझे हैरत होती है एक तरफ ये मकाम और मरतबा और यह अजजी और दूसरी तरफ हमारा करो कर फर कि हम जो है रातों में जो है वही खुराफात में गुजार दिया करते हैं ये रातें ये बताइए साहब कि एक और बात इसमें जो एक और पहलू है ज़ाहिर इबादात के हवाले से बड़े डिटेल में दोनों प्रोफेसर साहबान ने फरमाया बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अदीस के मुख्तलिफ मुफाहम हमें मिलते हैं मुख्तलिफ अदीस का जो क्रक्स है उसमें चंद लोगों का जिक्र आता है कि उनकी तो इसरात बख्शिश ही नहीं होनी मफफ़रत नहीं होनी जी हाँ तो कला देख इसमें बास ऐसे अमाल हैं कि जो मकफ़रत होती है या माफ़ी मांगी जाती है गुनाहों की गलतियों की मांगी जाती है जब इंसान से कोई गलती हो गई तो उसकी माफ़ी अल्लाह की बारगाह से तलब की लेकिन ऐसे अमाल जो इंसान की शख्सियत के साथ जुड़े हुए हों और उन्होंने उनको छोड़ा ना हो फिर भी माफी मांग रहा हो तो फिर माफी कैसे मिलेगी? ये वो है, में हम देखते हैं, तो अमल उसके है।, बाद कीना है कीना किसी के बारे में आपने अपने दिल में हसद कीना बुगस पार रखा है जो एक मुसलसल अमल है अब इस अमल ने तो शख्सियत से हटना नहीं है और आज तो हमारे दिलों में जो है कीना और बुगस भरा पड़ा भरा पड़ा है तो इस अमल को छोड़ के आप अल्लाह की तरफ मफरत के लिए आए ना अल्लाह यानी अदीस पाक की तालीम यह है कि ये वो आमाल हैं ये वो बुराइयाँ हैं है। जब शख्सियत के अंदर आपने इन बुराइयों को समोया हुआ है अल्लाह की बारगाह से माफी भी मांग रहे हैं यानी गुनाहों के बोझ को लेकर आ सकते हैं लेकिन कीने के वजन को लेकर जो अल्लाह की नहीं जा, नहीं जा सकते ठीक तो आप जो माजी के गुनाह थे जो गुनाह हो चुके उनकी माफी की दरखास्त करेंगे तो माफी मिलेगी लेकिन वो गुनाह जिनको आपने अपने दिल में छुपा रखा है आबाद हाँ। कर रखा है दिन को दिल को उन गुनाहों के साथ आप माफी मांग रहे हैं और उन गुनाहों से निकल भी नहीं रहे तो फिर माफी नहीं मिलेगी उसके बाद जो वाले का नाफर अल्लाह हू अकबर ये तो बड़ा उसकी मसला है में में ये में बहुत बड़ा मसला है कि वालदेन अभी आपने भी कहा कि सारी माफिया मांगने से पहले जाके पहले से <laughs> पहले। अच्छा दुनिया भर को व्हाट्सएप कर रहे हैं पहले वाले को राजी कर करना तो ये जो अमल है बदकारी है है यानी ऐसे अमाल जो हमारी बद आदात पर मुश्तमिल हैं जो हमारे एथिक्स को ख़राब कर रही है मॉरलिटी को मुसलसल खराब करते जा रहे हैं पहले क्या करना है अपने आप को रिव्यू करना है उन हम से निकलना है और फिर उसका जो माजी का हिस्सा है उसके अल्लाह की बारगह से माफ़ी मांगनी है डॉक्टर मेरे ख्याल है बहुत से घरों का ये मसला है कि वालदे नाराज़ होते हैं

अज़त अबू अब्दुल्ला फ़ाक ही बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं दो सौ पचहत्तर में इनका विसाल हुआ है दो सौ पचहत्तर हिजरी इब्तदाई ज़माने के अल्लाह अल्ला उनकी किताब है अखबार मक्का मक्ल मक्का की तारीख और अहल मक्का के अहवाल पर वो किताब उसमें एक चैप्टर है उसको अनुमान यह है कि अहल मक्का नसब शाबान की जो रात है उसकी उनके मामूल क्या होते थे सुबह उसमें लिखते हैं इमाम फाकही के माजी से यह अहल मक् का मामूल है जब यह रात आती है तो अहले मक्का सेने हरम में आ जाते हैं हरम में आ जाते हैं अच्छा उनकी रात तवाफ करते हुए गुजरती है सुभान अल्लाह सुभान कुरान मजीद पढ़ते हुए गुजरती है और वो 100 100 नवाफल पढ़ते हैं सुभान अल्लाह सुभान नमाज़ भी इस इhtimam से पढ़ते हैं फातिया के बाद दस दस مرتبہ سورہ اخلاص पढ़ते अरे हैं अरे सुभान और कुरान मजीद इस तरह पढ़ते हैं तुलुए फजर से पहले वो कुरान खत्म अच्छा मुनादी जाहिर है वो गुरुब आफ्ताब से लेकर तुलुए फजर तक जो है मुनादी देता रहता है तो रात का कोई लम्हा करना अब हम इससे आज की बातें नहीं है ये आज की बातें भी नहीं है बात यह भी है ये दो सौ पचहत्तर में साल फरमाया उन्होंने बताइए तो कम अज कम उन्होंने पिछले सौ साल के मामला तो देखे ऐसा है और मतलब देख के उसको जो एडॉप्ट किया अच्छा इसमें कत रही करने वाले की भी उसका भी ऐसा ही है जिसने कतार रहमी की जो सिला नहीं करता उस की भी माफी नहीं है अच्छा अब आप देखें अधिसे पाक है कि जो ये शख्स यह चाहता है कि उसकी उम्र में इजाफा हो उसके रिस्क में इजाफा हो उसे चाहिए कि वो सिला करें अच्छा हमारे यहाँ तो को जाते हैं, खड़ी करते हैं और फिर खुद जाके उलझते हैं ये किस तरह होगा तो इस तक का जिक्र हुआ तस्बी का जिक्र हुआ सलातो तस्वी बड़ी जा सकती है तस्वीर की बड़ी फजीलत है क्योंकि तस्बी की वो फजी इतनी आप देखें कि सईना यूनसलाम जिस तकलीफ में चले गए

उनकी भी, उनकी भी बख्शिश उनकी भी ऐसा ही है।, है उसका भी ऐसा ही है चूँकि ये भी वही बुरे अमाल में आ जाता है ना यानी ये वही मुसलसल अमाल हैं यानी शराब पीने का अमल है या सूदखोरी का अमल है इस्तेसाल है हराम खोरी है ये सारे सारे वो अमाल हैं जो अमाल आपको अल्लाह की कुर्बत से और अल्लाह की रहमत से दूर करते हैं अच्छा अब बात ये है कि एक जुमले में फिर उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो इम्यून हो गए ये गुनाहों की वजह से यानी शराब के इम्यून हो गए सूद के इम्यून हो गए बदकारियों की इम्यून हो गए अब वो कहते हैं साहब बात ये है कि इतनी जिंदगी तो गुजार दी बाकी भी गुजर जाएगी उनको क्या कहेंगे कि क्या करना ये जो चाहिए। ये जो अप्रोच है ना इतनी जिंदगी तो गुजर गई अब क्या लौटना <coughs> ये शैतान का हथियार है किसी भी इंसान को गुमराह ही पे कायम रखने के लिए देखें अगर आप मायूसी को मुजस्म करें तो उसका नाम शैतान है क्या अच्छी बात है जब आप अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं तो आप शैतान के रास्ते पर चलते हैं तो, की तरफ से तो आपको ये तालीम है कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना आप हर वक्त अल्लाह की तरफ लौटने के लिए तैयार रहें। ठीक ये अप्रोच ही जिंदगी में नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं आप अल्लाह की तरफ लौटूंगा तो क्या होगा क्या मिलेगा बिल्कुल ठीक अच्छा प्रोफेसर अभी बताइए कि एक तो जो सलातो तस्वी का जिक्र आया बार बार जाहिर है अब मग़रब से जैसा कि छः नवाफिल का तस्कर आया मुख्तर प्रोफेसर साहब ने बताया वहाँ से शुरू करते हैं फिर रात इबादत का आपने खासा मतलब जो है वो डिटेल में बताया सलात व तस्वी के बारे में लोग समझना भी चाहते हैं कि वो अदा कैसे की जाए एक तो उसका तरीका ज़रा ज़रूर बताइए प्लस साथ, साथ जो है इस रात की जो बरक़ात हैं उसको हासिल करने के लिए जो एक यकी कैफ़ियत होती है उसको कैसे हम हासिल करें बसमान वीद भाई अभी गुफगु में एक बात चल रही थी पहले सौ रकात नफल वाली कि वो हमारे अकाबरी मैं उस अर्ज करता हूँ सौ रकत नवाफिल वाली जो बात थी अलामा इकबाल रहमत ला एक शेर है <coughs> तेरे ज़मीर पर जब तक ना हो नजूल किताब गिरा कुशा है न राजी न साहब कशाफ अब इस शेर में अमामा इकबाल ने दो तफसरों के नाम लिए हैं गरा कशाह है, गिरा कुशा है ना राजी न साहब कशा एक तफसीर इमाम फ़खरुद्दीन राजी की है तफसीर कबीर और एक तफसीर इमाम ज मशरी की है कशाफ ये दोनों तफसीरें अमामा इकबाल ने इसमें एक शेर में इकट्ठी की हैं मैं इन दोनों तफसीरों का ही एक रेफरेंस को यहाँ कोट करना चाहता हूँ इमाम ज मशरी ने कशाफ में जिल्स नंबर चार सफ़ा नंबर दो सौ बहत्तर पर और इमाम राजी ने तफसीर कबीर जिल्स नंबर सत्ताइस सफ़ा नंबर दो सौ चार पर यह हदीस लिखी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला फी हाजिलैले अरबा मिया रकातिन अरसलल्लाहु इलैहि मिया मलाइका जो शख्स इस रात में सौ रकत नफल पढ़ता है अल्लाह उसके पास सौ फरिश्तों को भेज देता है सुभान अल्लाह ला सौ तीस फरिश्ते उनमें से उसे जन्नत की बशारत देते हैं वह सलासू नुअ मे नू ना हूँ नार तीन फरिश्ते उसे खबर देते हैं कि तू अजाब अजाजक से मामून है तीस फरिश्ते सलासूना यद फाउना अन हो आफात दुनिया और तीस फरिश्ते इस काम में लग जाते हैं कि अब दुनिया की आफतों को हम तेरे पास नहीं आने देंगे वह अशरत उनद फाउना अनह मकायद शैतान और दस इनमें से वो इस काम में लग जाते हैं का उसके मकर का अब तुझे नहीं ये जो हदीस है ये सौ रखत नफल के हवाले से जहाँ तक तल्ला सलात व तस्वी का तो जाहिर है इसमें चार रकत पड़ी जाती हैं और हर रकत में सेवेंटी फ़ाइव दफ़ा पचहत्तर मरतबा ये तीसरा कलमा सुबहानल्लाम्ल व अकबर ये पढ़ना होता है वल्ल अकबर तक भी पढ़ सकते पढ़ सकते हैं वल्ला अकबर तक भी पढ़ सकते हैं और वला वालाम का भी इजाफा कर ले बिल्कुल ये दोनों तरह से जायज़ होगा अब इसका तरीक़ेकार ये है कि जब हम उसका आगाज़ करते हैं तो फिर वो पहली रकत में कहाँ पर फिर रकू की तस्बीहात के बाद इसको पढ़ना है उठ के खड़े हुए तो एक जो कौमा है उसमें हमने पढ़ना है फिर सजदे में गए दोनों सजदों के दर सजदे के बाद भी पढ़ा सजदों के दरम्यान भी पढ़ा तो इस तरह एक रकत मुकम्मल करके तो फिर ये तो एक

अब इसमें यह है कि हम बरक़ात के हसूल के लिए पहले नंबर पर हमें समझना चाहिए कि कुछ ऐसे काम हैं जो रुकावट बन जाते हैं बरकतों के हसूल में वो हमें नहीं करने होंगे वो क्या है मैं अर्ज़ करता हूँ पहले नंबर पर तो ये कि लोगों को शब बारात की फजीलत से रोक देना ये भी एक ऐसा जुर्म है कि ना खुद फायदा उठाते हैं ना दूसरों को उठाने देते हैं यानी ये भी कहना कोई सिरात की फजीलत में कोई हदीस ही नहीं ये भी एक रवैया ऐसा है जो खुद भी बरकत नहीं हासिल कर सकता बंदा दूसरा मैं इस पर बात करता हूँ थोड़ी सी लेकिन उसके बाद दूसरा काम है ये जो हमारे यहाँ आतशबाज़ी शुरलियाँ पटाखे ये जो चलाए जाते हैं शब बरात मैं इसमें भी अर्ज करता हूँ इसका माखज़ क्या है और ये क्यों कहाँ हमारी शब बरात के साथ ये लगा हुआ क्यों है तीसरी बात ये है कि इस रात में हमें वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए बिल्कुल ठीक ये जो तीन काम है अब थोड़ा सा इस पे पहला जो काम है कि ये जो दूसरों को बताया जाता है कि इस रात की कोई फजीलत ही नहीं है तो मैं अर्ज़ करता हूँ ये हदीस मुबारक सिलसिलासा में एक हज़ार एक सौ चवालीस नंबर परामा नासरुद्दीन अलबानी ने इसको सही करार दिया जो के लमाय जरू तदी में एक नाम रखते हैं अरब की अरब दुनिया में मुमताज़ माने जाते हैं नासुरान शाह पंद्रह शाहबान की रात को अपनी मखलूक की तरफ लुफ्फ और सिवाय और दिल में कना रखने वाले के हर एक कीदीस नीचे नासुर ने लिखा हदीस येन ये हदीस बिल्कुल सही है रबिया अन जमात मिन सहाबा और ये सहाबा के एक अद सहाबी से नहीं जमात ए सहाबा से साबित किया गया अल्ला। अब जब ये बिल्कुल सही हदीस है तो फिर लोगों को क्यों रोका जाए इस मामले में कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस इसमें फजीलत में है ही नहीं बिल्कुल है पहली बात तो ये अब दूसरी बात ये है कि इसमें हमारे जो बच्चों को हमने सिखा दिया एक नया रिवाज और उनको नहीं रोका जा रहा बड़े पास खड़े होकर तमाशा देखते हैं ये उनके लिए ज्यादा मैसेज है बच्चों को आज अगर हम बता देना बेटा ये हिंदुओं का तरीकाकार है वो छोड़ देते हैं लेकिन ले 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 हमारा बड़ा उनको बताने को तैयार नहीं है कि यह हिंदुओं का तरीका है कुरान मजीद में सूर्य अनफाल की आयत नंबर पैंतीस में अल्लाह तला ने काफरों का एक तरीका बताया था व माकाना सलाह तो हम इन बैतः फरमाया उन लोगों की नमाज काफरों की नमाज क्या थी सिर्फ ये बैतुल्ला शरीफ के पास खड़े होकर सीटियां और तालियां बजाना अल्लाह यानी यह था कि लोग जो इबादत कर रहे हैं उनकी इबादत में उनको डिस्टर्ब करने के लिए यह तरीके कार अख्तियार किया जाता था कि वहां खड़े होकर तालियां बजाई जाती सीटियां बजाई जाती आवाजें पैदा की जाती यही वो काम था जो हिंदुस्तान में आज तो हमारे लोग कई कहते हैं पाकिस्तान बना के पता नहीं कायदेजम ने क्या जुर्म कर दिया लेकिन जितना बड़ा एहसान है कायदेजम का कि हमें वहां से निकाल के वहां जहां मंदिरों की टन टन की आवाज भी आती थी वहीं पर पटाखे और आतिशबाजिया में चलाई जाती थी इनकी शबे बराद की इबादत को जाया किया जाए। एक काम हुआ, देखा और सोचा हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए ये शैतान की थी। शैतान का एक था जिसमें उसने उनको डाल दिया और वो लगे रहे इस मामले में चलो ठीक है पटाखे चलाओ और ये इबादत से हट जाओ ये इबादत से हटना हमें अपनी नस्ल को बताना होगा कैसे नहीं होगा तीसरी बात यह हो गई के वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए जो मैंने पहले रिवायत शुरू में पेश की थी वो इमाम हसन सलाम वाली वो मुकम्मल नहीं हुई थी मैं उस पर वापस थोड़ा सा एक जुमला लेना चाहता हूँ वहाँ पर जिसको लैला तो सक कहा गया ये परवाने तकसीम होने की रात है जब इमाम हसन सलाम ने अपना अमल बताया तो उस ये मानी ने पूछा जनाब आपने जो फरमाया है कि मैं इस्तगफार करता हूँ दुआ करता हूँ कर सजूद करता हूँ व मा स्वाबाली का मन फला अगर कोई ऐसा कर लेता है तो उसका क्या सवाब है तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने अपने बाबा अली रजी अल्लाह रजियाल से सुना है वो फरमाते थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मन मिनल हैकर्रबीन जो इस परवाने तकसीम होने वाली रात को इबादत के साथ जिंदा करता है अल्लाह ताला उसे मुकर में दर्ज फरमा लेता है बिल्कुल ठीक बहुत शुक्रिया जजाकल्ला आप तीनों अबाब का बहुत शुक्रिया आप तो अल्लाह ताला आप तमाम अहबाब की गफ्तु को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाया और जो आपने फरमाया माशाल्लाह उस पर हमें अमल करने की तोफ़ी ख़तार फरमाए नाजीन बस इबादत 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 अपने रब को राज़ी कीजिए सर बसूद हो जाएं और अल्लाह से मगफ़रत के परमाने वसूल कर लीजिए आज की रात किताब शिफ़ा की जानब चलते हैं शब बारात का खास वजीफा और ख़ास वजीफ़ा जो है वक्त टी वी इसक्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है उसको गौर से देखिए जो शख्स शब बरात में सलातुल खैैर अदा करे यानी सौ रकत नमाज नफिल इस तरह अदा करे कि हर रकत में सूर फातहा के बाद दस बार सूर अखलास की तिलावत करे तो अल्लाह तबारक ताल उस बंदे की तरफ सत्तर बार निगाह फरमाएगा सत्तर बार और हर निगाह के बदले सत्तर हाजतें पूरी फरमाएगा जिसमें अदना तरीन हाजत उसकी मखफ़िरत है इसके अलावा इस रात जो शख्स सूर्य यासीन की तिलावत करेगा तो उसके रिस्क में बरकत होगी उम्र में इजाफा होगा और नागहानी आफत से महफूज रहेगा नाजिन कराम इस अमल पे अमल करने की कोशिश कीजिए हज़रत शेख अब्दुल्ह मोहद्दीनवी अले रहा का कौल मुबारक है जो शख्स जो कोई शख्स सलाम पढ़े और फिर उसके वसीले से दुआ करे तो वो दुआ कभी मुस्रद नहीं होती नजिन कराम रोज़नामा 92 न्यूज़ में आज आप शब बारात तोबा इस्तफार और रहमत बखशिश के रात के हवाले से मज़मून पढ़ सकते हैं और ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए बल्कि अपने बच्चों को भी सुनाइए आप ट्विटर पर हमें ज़रूर फॉलो कीजिए फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा आप वहाँ मौजूद हैं हम यहाँ मौजूद हैं इन आखिर में मिल के वबांगे दोहल नारा लगाएंगे इस दुआ इस उम्मीद इस यकीन के साथ इजाज़त दीजिए कि हुकुम लाइय हता में वाल दही वाली वरना से अजमा अल्ला आपका हमारा हम का पाकिस्तान का और उम्मत मुस्लिम का हामी नासिर पाकिस्तान का मतलब क्या मोहम्मद وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى اله وصحبه وبارك وسلم